साइंस बिहाइंड हियरिंग लॉस, क्या है हियरिंग लॉस की प्रक्रिया? यस दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। बात करते हैं आज साइंस बिहाइंड हियरिंग लॉस। दोस्तों, सुनाई दो चीजें हैं, अगर किसी को सुनाई नहीं दे, हम प्रज्यूम करके देखते हैं हम थोड़ी देर से ज्यादा नहीं रह सकते। सुनाई नहीं देना, बहरापन अपने आप में एक अभिशाप है। आज समझते हैं कैसे हमें सुनाई कम देता है। दोस्तों, कोई चीज की एबनॉर्मलिटी को समझने से पहले उसकी नॉर्मल, उसकी प्रक्रिया है, फिजियोलॉजी है, उसको हमें समझना होगा। हियरिंग कैसे हमें सुनाई देता है? दोस्तों, हमारा कान भगवान ने हियरिंग के लिए बनाया है। एंड कान के अलग अलग पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। दोस्तों, जब कोई भी आदमी बोलता है तो कान के अंदर ये जो आवाज होती है, क्योंकि कान के अंदर हमारे एक पर्दा होता है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस पर्दे के आगे तीन छोटी छोटी शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, एंड वो बोन एक नर्व होती है, 8th नर्व, जिसको हम लोकल भाषा में नाड़ी बोलते हैं। वो नर्व हमारे ब्रेन में एक जो सुनाई का एरिया होता है उससे जुड़ी हुई होती है। अब जब कोई भी इंसान बोलता है तो हवा में हमारे जो कंपन होते हैं, हमारी जो आवाज होती है, ये जो बाहर का हमारा पिन्ना है, ये उस आवाज को कलेक्ट करके एंड इस कान का एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इस कान के छेद में डालता है। छेद में डालने के बाद वहां पे उस पर्दे से वो आवाज टकराती है, एंड उसमें टकराने के बाद उसके अंदर कंपन क्रिएट होते हैं, एंड वो जो कंपन होते हैं वो तीन छोटी और उस नस के थ्रू दिमाग को जाते हैं। दिमाग में जो भगवान ने एक सुनाई का सिस्टम बनाया है, वो उस बात को इंटरप्रेट करता है एंड वो कमांड देता है और अपन बोलते हैं। दोस्तों, ये एक नॉर्मल सिस्टम होता है। अब क्या साइंस है? ये जो नॉर्मल प्रक्रिया है हमारी सुनाई की, उसमें या तो कहीं इस चैनल में प्रॉब्लम हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, तो हमें सुनाई कम देता है। या दूसरा है, हमारा चैनल तो ठीक है लेकिन उसकी क्वालिटी, जो हमारे नर्व है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात करते हैं नंबर वन, चैनल में डिसकंटिन्यूटी। हो सकता है कि बाहर का ये जो कान है वही नहीं बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, जन्मजात जो बच्चे होते हैं जिनके पिन्ना नहीं होता, पिन्ना अगर होता है तो उनके क्या होता है, जन्मजात ये छेद ही नहीं बना होता, तो हमारी आवाज किससे, जिसको हम जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एट्रिशिया बोलते हैं। दोस्तों, हमारा पिन्ना भी सही है, हमारा ये भी ठीक है, लेकिन हमारा जो पर्दा है, उस पर्दे में अगर मान लो छेद है तो उसमें कंपन कहाँ से होगा? तो वो भी एक कारण है सुनाई देने कम देने का। बहुत बार क्या होता है कि दोस्तों, कान का पर्दा भी सही है, बाहर भी ठीक है, कैनाल भी ठीक है, लेकिन वो जो हड्डी होती है, किसी कारण से, ट्रॉमा के कारण या चोट के कारण या बीमारी के कारण, वो जो अंदर की हड्डी में कंटिन्यूटी नहीं है, यानी वो तीनों हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। बहुत बार हड्डियां तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें जो मूवमेंट होते हैं ऐसे, क्योंकि वो जाम लग जाता है, एक ऑटोस्कोलोसिस एक बीमारी होती है, उसके कारण नहीं होता। सो ये जो दोस्तों कारण है, वहां तक का ये कारण आता है हमारा कंडक्टिव लॉस, कि हमारा जो साउंड का कंडक्शन हो रहा था उसमें लॉस। दूसरा दोस्तों, जो हमारा कंडक्शन तो सही हो रहा है, वाइब्रेशन भी सही हो रहा है, अंदर जो है हड्डी कंपन को भी लेके जा रही है, लेकिन जो नर्व जो आवाज को ब्रेन तक लेके जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई, या तो कोई ट्रॉमा के कारण चोट लग गई, उसके कारण उसका कोई लॉस ही इतना हो गया कि वो कट गई, या कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे नर्व के अंदर, जैसे हमारी केबिल होती है, वैसे मिलियंस फाइबर होते हैं, एंड वो जो फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है कि जो फाइबर कई बार क्या है, किसी कारण से वीक हो जाते हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं आपके कान की नाड़ी सूख गई। तो वो जो फाइबर होते हैं वो किसके कारण सूखते हैं, ज्यादा मैं बताता हूँ। एक तो होता है कि जैसे करीब 65 साल के बाद के अंदर यूजुअली फिजियोलॉजिकली नॉर्मल जो हियरिंग लॉस होता है। इसके अलावा टोबैको, तंबाकू, सिगरेट, एल्कोहल, हाई साउंड का एक्सपोजर, जहां पे बहुत ज्यादा साउंड होती है, उसके कारण होता है। कई बार कोई दवाई के रिएक्शन, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, दोस्तों ये वो सारी चीजें हैं जो उस नस को सुखा देते हैं, एंड धीरे धीरे आदमी को सुने सुने सुनाई कम देता है। दूसरा दोस्तों, इसके कारण क्या होता है कि कई बार जन्मजात उस नस के अंदर जो फाइबर होते हैं वो भी वीक होते हैं, एंड जो हमारे कान के अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, सुनाई की जो हेयर सेल्स होती हैं, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं।
सो ये होता है न्यूरल लॉस, सेंसोरिक हियरिंग लॉस। सो दोस्तों ये जो कारण है कंडक्टिव हियरिंग लॉस और SNHL यानी सेंसोरिक हियरिंग लॉस। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है वो डॉक्टर को ये पहचानना होता है कि इसका क्या कारण है। हम आपसे नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसमें मिलेंगे कि ये जो सुनाई के जो कारण है इनको क्या मैनेजमेंट है, कैसे ठीक किया जाता है। सो दोस्तों जाना जा आपने कि क्या साइंस है बिहाइंड द हियरिंग लॉस। डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल होगी। यू कैन शेयर टू योर फैमिली या फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिससे हियरिंग लॉस के लिए अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो सके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैट यू जस्ट पुट ऑन माई कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली विल रिप्लाई। थैंक यू।